ओके सो वी आर बैक. चलो स्टार्ट करते हैं. इतना हैवी टॉपिक के बाद में थोड़ा लाइट करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं. अभी एक टाइप का जो सम है, जो अगर आ जाए तो यही समझना कि क्यों आया, बिकॉज उसको कुछ और मिल नहीं रहा था दो नंबर का देने के लिए. ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर वन ऑफ बुकलेट वन. उसको बैठाना था 100 नंबर, 98 आ रहा, 97 आ रहा था, तो 3 नंबर का वो दे दिया, समझ लेना. ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट इज डिस्काउंटेड, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइप क्वेश्चन नंबर वन, हेडिंग लगा देना बिल डिस्काउंटिंग, हेडिंग लगा देना बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग. अगर इसमें कोई गलती किया ना तो वो पक्का फेल ही है, वो समझेगा इसको कुछ नहीं आता है फिर. अगर ये कोई गलती करके आ गया एग्जाम में तो ये बस समझ के रखना. होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो मगर ये आई और डी गलती कर दिया तो उसको पूरा छापा है रे, मेल आ जाएगा फिर. ओके देखो चार होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट. एक एक करके फिल करेंगे. लास्ट में 7 जन है ना, उधर में 8 जन बैठा है ना तुम लोग. हाँ तेरे से इधर लास्ट. हाँ बोल, एएफ और डीएफ बता फटाफट. तुम डीएफ, तुम पीछे का जो चार बदमाश लोग हैं वो लोग डीएफ बताएगा. डीएफ, हाँ बोल, डीएफ बता सिंपल इंटरेस्ट का. सब बहुत सिंपल है, भूल गया कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत सिंपल है ना. अरे सिंपल वैसे नहीं बोले, सिंपल है एनआई, एनआई तो वन इंटरेस्ट है तो वन प्लस एनआई होगा ही, तो वन प्लस एनआई टू द पावर माइनस वन. फिर नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एन पावर में एन पावर. हमको सब पता है, तुम लोगों को क्या समझ के रखे हो. वन माइनस एन डी, वन माइनस डी टू द पावर एन. ओके सिंपल इंटरेस्ट का वन प्लस एन आई, हाँ देख के बोल रहे हो तुम लोग. ये तो पता ही होगा, पीवी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एवी आएगा, एएफ. व्हाट इज एएफ, वाह व्हाट इज एएफ. तुमको पता है सर मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, बोलता है अपने बारे में बताइए, तो बोलता है आई एम प्रवीण पटवारी, बस इतना ही बोल देता है. और वो एक्सपेक्ट करता है उसको ले लेगा कंपनी में. व्हाट इज एएफ पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी टर्म, मैंने कितना गुना मेरा पैसा हो गया. अगर एएफ है 1.5 तो इसका मतलब क्या है, डेढ़ गुना हो गया पैसा. एएफ अगर 1.5 इसका मतलब क्या है, डेढ़ गुना हो गया पैसा. व्हाट इज डीएफ, फिर से व्हाट इज डीएफ, मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ठीक है, तो ओके उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोले मतलब. छोड़ दो, तुम्हें तक नहीं पाएंगे हम. क्वेश्चन नंबर वन देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बताना ही नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बताना है क्या? अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कौन सा वाला इंटरेस्ट में फॉलो होगा, सिंपल ना कंपाउंड? कंपाउंड सिंपल में प्लस होता है हमेशा, आज का ब्याज प्लस कल का ब्याज प्लस कल का ब्याज, तो सिंपल रहता है ना वो. तो कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज फिर उसका भी इनटू 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 चलता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन देखो, एन इन्वेस्टमेंट इज डिस्काउंटेड फॉर 28 डेज एट अ सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 4.5%, कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव. बाप रे बाप, ये क्या क्वेश्चन है. 1 माइनस एन डी, एन कितना है, व्हाट इज एन, 28 नहीं है, 28 बाय गुड इनटू डी कितना है, जोर से बोलो, लीप ईयर भी हो सकता है. बाप रे, इतना सोच लोगे तो 102 आ जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं सोचना है, 28 बाय 365 लेना है बस. और अगर बहुत ज्यादा कोई कॉशियस है तो 365.25 बस, उससे ज्यादा लीप ईयर से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं. इतना जोश नहीं चाहिए, थोड़ा जोश आगे के पेपर्स के लिए बचा के रखो. ये क्या है, ये क्या है, 28 ईयर्स ये है क्या,
28 days का discounting factor तो क्या हो जाएगा 1 plus i to the power minus 28 by ठीक है घर पे solve कर लेना इसको question number बोलता कोई नहीं करता है question ठीक है मत करना question number nine थोड़ा difficult है वो लोग के हिसाब से a 90 day government bill is purchased for 96 90 day bola hai at the time of issue and it's sold after 45 days to another investor for 97.9 acha ek minute question padho pehle kya likha hai determine which investor receives the higher return to ek itna mein kharida itna mein becha days diya hua hai to accumulate karenge aur kuch nahi bola hai to kya maan ke chalenge i matlab kya simple na compound acha दूसरा इन्वेस्टर कितना में खरीद रहा है 97.9 और बेच कितना में रहा है 100 तो दोनों का आई निकाल लेंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा ठीक है ये कर नहीं रहे ले कर ले पिच कर रहे हैं तो पिच क्यों गया इनटू 1 प्लस आई अच्छा 90 नहीं होगा क्या होगा और दूसरा वाला कितना दिन रखेगा फिर 45 कितना में बेचा है इसको 97.90 ठीक है दिस फॉर इन्वेस्टर वन एंड इन्वेस्टर टू का सिमिलरली कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों का जो हायर रिटर्न आएगा उसको लिख देंगे ओके एक जो पेटेंट क्वेश्चन है हम लोग का जो लोग को हल्का सा दिक्कत होता है एक बार लास्ट टाइम 20 करा दे रहे ठीक है तो 20 बार पढ़ लो ताकि फिर इस बुकलेट में हाथ नहीं देना पड़ेगा अच्छा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 21 ये 21 नहीं कराएंगे होमवर्क में करना है हाँ इसी बुकलेट का 21 होमवर्क में है माने हम ये जो प्लान जो बोल रहे हैं ना ये उन लोगों के लिए है भैया 10 दिन बचा है मेरे को कॉल मत करना मैं समय पढ़ रहा हूँ मेरे को एकदम फोन ही रहूँगा भैया 10 दिन बचा है कैसे कैसे पढ़े बताइए सुबह पढ़े या फिर शाम को पढ़े ग्रुप में पढ़े या फिर सिंगल पढ़े घर में पढ़े छत्ता में पढ़े ये सब प्लीज कितना घंटा पढ़े उठ के पढ़े बैठ के पढ़े घूम के पढ़े ये सब प्लीज मत पूछना ठीक है तुम ही लोग पूछेगा देख लेना मेरे को मैं ओके 20 अभी जब थ्योरी ये बोली ना आज नेक्स्ट वीक थ्योरी पढ़ाएंगे ना कैसे पढ़े भैया थ्योरी क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो इसको ट्वेंटी वन होमवर्क मार्क कर लिया ना मुझको तो 20 के ऊपर हंसी आ रहा है फिर से वही दिया है 91 द ट्रेजरी बिल देख लो इसको आज कितना एज है मेरा 61 रिटायर कब कर रहे हैं 4 साल बाद कब रिटायर कर रहे हैं 4 साल बाद कहां से कहां तक कितना का इनकम स्ट्रीम चाहिए और कैसे रुको रुको कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया कहां से कहां तक आंसर करो 65 से 78 कितना का 8000 पर एनम कैसे मंथली इन एडवांस रुको कहां से कहां तक का जुगाड़ है और कितने का 68 से 78 का जुगाड़ है और कितने का जुगाड़ है 5000 पर एनम का जुगाड़ है कितने का करना पड़ेगा कहां से कहां तक का 8000 करना पड़ेगा ठीक है तो और हम लोग कहां से कहां तक पैसा डालेंगे ताकि मेरा ये जो ड्रीम है ये फुलफिल हो 61 से 65 पैसा डालेंगे कैसे डालेंगे क्वार्टरली इन देखो तो एडवांस है क्या हाँ क्वार्टरली इन एडवांस है तो बहुत सिंपल है पहले अपना पैसा जो भी फंड है उसको अक्यूमुलेट कर देंगे एंड 65 पे प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट कर देंगे ठीक है तो लिखो 4x वाई 4x एक्स इज व्हाट क्वार्टरली जो मांगा है डायरेक्टली वही 4x एस ड्यू 4 रेट पता है क्या 5% दे दिया है इज इक्वल टू व्हाट बोलना इज इक्वल टू व्हाट जोर से बोलो हाँ 8000 ए ड्यू 12 3 ये 5 नहीं चल रहा है 1 चल रहा है वो ऐसे होगा ऐसा वाला ठीक है तो
प्लस वी क्यू पहले, हाँ 3000 एड यू बस फुल स्टॉप, ठीक है। इसी का कॉपी कर लो उसका इक्वेशन को, मत बोलना भैया सॉल्व करा दीजिए प्लीज, डर लग रहा है। एक तो इसमें है पास होने का स्ट्रेटेजी में, पता है कौन सा क्वेश्चन चाहिए, 25 मैंने ऐसा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, हर टर्म में आया, तुम लोग के टर्म में आएगा। ये लोग मिटाएं क्या विभी, ये ठीक है, हाँ कॉपी कर लो, 25 पढ़ लो एंड 25 अभी पूरा सॉल्व करेगा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि जीरो तो नहीं आएगा। ट्वेंटी फाइव का फर्स्ट पार्ट अभी सबको करना है, वीटी वाला सबको अभी करना है, इसमें आंसर पता है कैसे देगा, जैसे डेल्टा टी का एक दिया है ना वैसे पूरा वीटी का बनाना पड़ेगा, तो पहले क्या करेंगे टी लेस देन इक्वल टू 9, तो उसके लिए क्या करेंगे वीटी विच इज इक्वल टू व्हाट एक्सपोनेंशियल माइनस 0 से टी डेल्टा एस डीएस, पहला वाला ठीक है। तो अच्छा यहां से अब जो दूसरा वाला ठीक है मत करो, एक बार देख लो इसको, जब इसको कर लेंगे तो टी के टर्म्स में कुछ आएगा कितना आ रहा, कोई सॉल्व किया तो, अच्छा अभी नेट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं हाँ। क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बाद में इंटीग्रेशन है, बोलना है आंसर बोलना, माइनस अच्छा ठीक है कर लो बाबा, प्लस ब्रैकेट दे के नहीं दे, ब्रैकेट दे के करे क्या, ब्रैकेट दे के बताओ, सेकेंड वाले में प्लीज फिर से सॉल्व मत करना नहीं तो वो जीरो ही देगा। हाँ हम तुम लोग को बोल रहे पढ़ो पढ़ो और खुद फेल हो रहे तो यहाँ पर बोल, ये क्यों निकाल क्यों रहे हैं अला, ताकि काम आसान हो, बार बार इंटीग्रेट नहीं करना, पर तुम्हें उसको दिखा रहा है देख बार बार इंटीग्रेट की। तो सेकेंड वाला वेन टी इज ग्रेटर देन 9 तो उस केस में वी टी निकालेंगे विच इज इक्वल टू व्हाट वी 0 टू 9 इंटू वी 9 टू टी। अच्छा इसका जो सम था ना वो जो स्पेशल वाला वो याद नहीं आ रहा मेरे को, वो एक बार शीट है क्या मेरा चैप्टर फाइव का शीट है क्या किसी को, हम बता दे रहे मार्क कर दे रहे क्वेश्चन वाला कर लेना एक बार, डिस्काउंटिंग एंड एक्युमुलेशन वाला निकालना नहीं है, बता दे रहे होमवर्क में क्या क्या करना है। इसमें एक तो सिक्स कर लेना, सिक्स मेरा जो शीट है डिस्काउंटिंग एंड एक्युमुलेशन का उसका सम नंबर बता रहे हैं कौन कौन सा करना है होमवर्क, सिक्स एट एंड एक था ना, सिक्स एट इलेवन एंड ट्वेल्व बस, और कुछ नहीं करना सीट से, अब हो गया अब टाइम आ गया है, सिक्स एट इलेवन एंड ट्वेल्व ये चार सम कर लेना फिर रिवाइज हो जाएगा पूरा, कुछ और सारा नहीं करना है ठीक है। सिक्स एट इलेवन एंड ट्वेल्व डिस्काउंटिंग एंड एक्युमुलेशन का सीट का ठीक है। अब इसमें आ रहे वापस बैक टू दिस, अब सेकंड वाले को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे बताना, 9 से टी, 9 से टी और पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे, भूल मत जाना ये सब मत भूल जाना प्लीज। ये पता है क्यों करा रहे हैं, अभी तुम लोग इसको नहीं किया है, तुम लोग इसको बहुत पहले किया था एंड जब भी आता है ना तुम लोग एक अजीब सा मुंह बन जाता है, अरे फिर से चट रहे, अरे ये करना तो पड़ेगा ना एग्जाम में, एक बार तो उसको करेंगे ना एग्जाम के पहले, तो वहां पर डायरेक्टली एकदम पूरा ब्लैंक हो जाएगा,
भले ही बहुत ईजी सम है, करना पड़ेगा उसको घर पे, इसलिए बोल रहे अभी कर लेते हैं उसको, उसको डालना है उसमें, प्रैक्टिस कर रहे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अप्रेजल का सम्स, लेकिन यही नहीं हो रहा तुम लोग से। इसका कितना आ रहा है सेकंड वाला, कोई किया क्या? ई टू दी पार माइनस 0.06 टी ब्रैकेट दे कि नहीं दे, बिना ब्रैकेट दे माइनस 0.135 बस, ठीक है। तो इसको फिर एक अलग से लिख देंगे वी टी का एक्सप्रेशन। अच्छा हाँ बोलो, ये जीरो से होगा ना, ठीक है, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे दिया ना उन्होंने पूरा सेम एज इट इज कॉपी कर देना, खाली वहां पर डेल्टा टी की जगह में क्या होगा वी टी, एंड वो लोग की जगह में कौन सा होगा अपना वाला। सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा क्या इसका, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 ड्यू एट द एंड ऑफ 15 इयर्स, तो कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला ना दूसरा वाला? दूसरा वाला, बिकॉज दूसरा वाला कौन से रेंज के लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहे एक ऐसा टाइम पीरियड बताइए जिसमें दोनों से निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा, नाइन, नाइन में दोनों से निकालेंगे तो आंसर पूरा क्या आएगा सेम। कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इंप्लाइड बाय द ट्रांजैक्शन इन पार्ट ए, कैसे करेंगे बताएं, वैसे लोग सुनो कॉपी कर लेना पहले सुन लो एक बार, 5000 है उसका मान लो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 2000, अब जब कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना तो कैसे करेंगे, 2000 ई टू द पावर 15 डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 5000, वही तो करेंगे ना, 2000 ई टू द पावर 15 डेल्टा, या फिर 5000 ई टू द पावर माइनस 15 डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 2000, ठीक है। और इसका लास्ट वाला पार्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है ओके। अच्छा इसमें एक जो स्पेशल टाइप था उसको प्लीज मैं बोल रहा हूं देख के जाना, इस मार्क करा दिया उसमें, आई गेस क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 या फिर 12 में से कोई एक है शीट का, इस बुकलेट का नहीं शीट का, मैंने मार्क करा दिया इसलिए। तुम लोग कैसे लिखा है होमवर्क में, कैसे लिखा है बताना, क्या लिखे हो तुम होमवर्क में, वो नहीं लिखा है, कौन सा शीट का करना है, हाँ डिस्काउंटिंग एंड एक्युमुलेशन शीट ऐसे करके लिखना है, तो फिर इसका करने लग जाएगा। अच्छा आओ एक मिनट लगेगा, एक मिनट अपना, हाँ 30 क्वेश्चन नंबर 30 इसमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 30 लिख देना, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस डैश डैश रोटी रोटी एज वेल एज डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट, रोटी एज वेल एज डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट, रोटी एज वेल एज डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट। इसको पढ़ाने के पहले एक फॉर्मूला रिवाइज करना है मेरे को, वट इज ए एन, वन माइनस वी टू द पावर एन बाय आई, सर वॉट आर द प्रूफ्स विच आर इंपॉर्टेंट, लेवल एनविटी का एंड इंक्रीजिंग एनविटीज एंड इंक्रीजिंग एनविटीज का वाला पूरा का पूरा डायरेक्ट प्रूफ आ सकता है, कैसे आएगा बताएं, तुम लोग लोन शेड्यूल में एक सम किया होगा क्वेश्चन नंबर 17 में, पहले बोलता है वो प्रूफ करके दिखाइए, उसको कुछ मिल नहीं रहा था ना तो और क्या देगा उसमें, तो उसी में बैठा दिया उसको प्रूफ कर दे, तो अगर आ गया तो उससे ज्यादा तो कोई अच्छा चीज ही नहीं है ना, एंड खास करके आईए का जो प्रूफ है ना उसको एकदम बढ़िया से करके जाना, बिकॉज कंपाउंड में तो कोई प्रूफ है नहीं, एंड डेफर्ट वाला आएगा तो बना देंगे, एनविटी वाला कोई कुछ है ही नहीं करने के लिए। अच्छा ए बार इनका इंटीग्रल एक्सप्रेशन बता देता हूँ, 5 कर चुके हैं यार, अब प्लीज बोल देना इंटीग्रेशन 0 टू एन वी टू द पार्ट टी डी टी, अरे सी टी वेब से रिलेट करिए ना, वी टू द पार्ट टी इंटू क्या होता था वहां पर टीपी एक्स, टीपी एक्स को हटाओ, अब किस में आ गए, 1 में आ गए, टीपी एक्स को हटाओ तो क्या बचेगा। अच्छा वी टू द पार्ट टी को क्या लिखते थे फिर, अगर प्रूफ है वो दिमाग में करे तो देखिए आ जाएगा कि नहीं आ रहा, ई टू द माइनस डेल्टा टी, ऑफ ई टू द माइनस डेल्टा टी का क्या होता था माइनस 1 बाय डेल्टा ई टू द माइनस डेल्टा टी, फिर उसका लिमिट बढ़ाते थे कहां से कहां तक 0 से एन, तो जब एन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा e to the power minus delta n minus 1, minus को अंदर लेके जाएंगे, देखो मुंह मुंह में पूरा फॉर्मूला आ रहा है, पूरा मुंह में फॉर्मूला आ रहा है।
ये अगर एस बार एन का बोलते तो क्या करते, ई टू दिपार डेल्टा एन करते, वन प्लस आई टू दिपार एन होता ना, ई टू दिपार डेल्टा टी डी टी, ठीक है, कोई भी दिक्कत? ओके कॉपी करना तो कॉपी कर लो उसको वहीं पर, या फिर नोट में लिख लो, प्लीज प्रैक्टिस, लिख देना नोट में, प्लीज सी देना चाहिए देना, प्लीज सी द प्रूफ्स ऑफ, लिख भाई लिख, कॉपी बना रहे तुम, प्लीज सी द प्रूफ्स ऑफ लेवल एंड इंक्रीजिंग एनविटीज, लेवल एंड इंक्रीजिंग एनविटीज फ्रॉम कॉपी, लेवल एंड इंक्रीजिंग एनविटीज फ्रॉम कॉपी, ठीक है। तो ए बार एन का प्रैक्टिस हो गया, तो ए बार एन को करने से क्या पता चल रहा है कि ए बार एन में क्या क्या चीज कांस्टेंट है, एक तो 100 रुपया, वो जो रेट ऑफ पेमेंट है ना, 100 रुपया, 200 रुपया, 300, वो कांस्टेंट है, अभी किए थे ना 20,000, 23,000, तो अमाउंट तो कांस्टेंट ही था, एक साल का तो कांस्टेंट था, इसलिए तो इनटू ए बार वन कर दिए थे, एंड जो रेट निकालना था डेल्टा वो भी तो कांस्टेंट था सर, आई दिया हुआ था, अरे आई डेल्टा बात तो एक ही है, तो वो दोनों चीज जब कांस्टेंट होगा तब क्या लगा सकते हैं। अगर एक बात सोचो, मेरे को पेमेंट स्ट्रीम से लेवल एनविटी का सफर तय करना है, तो कौन कौन सा चीज मेरे को रोक सकता है, एक तो रोटी, यहां पर देखो इस समय जब पड़ेगा तो रोटी कांस्टेंट है, प्लस जब से मेरा पेमेंट स्टार्ट हो रहा है तब से देखो डेल्टा भी कांस्टेंट है, तो इसको रोटी की तरह नहीं करके कैसे करेंगे, लेवल एनविटी की तरह करेंगे, बस हम पढ़ो, तो फैन चला तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। क्या बोल, मैं फोन को चार्ज में लगा दूंगा। क्वेश्चन पढ़ा, सो नहीं, सो नहीं, सोने से क्या होगा, ए सो मत, हाँ आप सो मत, तुम है लास्ट बेंच, कभी भी हम पूछ सकते कुछ भी, बोलना कैसे होगा, बोलना एक बार बताओ, तो एक बार बाबू तुम बोल दो, बोल तो जोर से बोल, हाँ हाँ बोल बोल बोल, दरकार ही नहीं उस चीज का, वो जो तुम बोल रहे हो ना उसका दरकार ही नहीं है, उस चीज का दरकार ही नहीं है, मेरा प्लीज बात मानो, तुम लोग अभी जिस से गुजर रहे हो ना 5 साल पहले और 5 साल से उसी फेज से हम गुजर रहे हैं, तुम लोग तो अभी फर्स्ट ईयर में आए हो ना, हम पिछला 5 साल से फर्स्ट ईयर में ही है, तो मेरा बात को मानो, ये सब को इग्नोर मत करके जाना, पहले चलो वो सब कर लेते हैं, सब देख लेंगे बाद में, नहीं पहले इसको जिस ऑर्डर में जा रहे हैं ना, CT1 अगर रिवाइज करना है तो आज का पूरा 6:30 बजे तक का ऑर्डर फॉलो करना है, तभी हो पाएगा वो चीज, उसको आता है, वो किया है, 2 बार किया है, अभी वो बोल नहीं पा रहे, अगर वो बोल भी रहे तो हम जिस मेथड से करेंगे उसमें आधा टाइम में हो जाएगा, वो बोल रहे हम लोग आई में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने का दरकार ही नहीं है ना, बिकॉज अगर मेरे को वी टू दी पावर एन चाहिए तो वो क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एन, और नीचे में तो डेल्टा है ही, और कोई वंदिता बताओ, ए बार टू ये कहां से कहां तक का हुआ, 4 to 6 वाला हो गया, मैंने क्या बोला लेवल एनविटी में क्यों लिख दिया, डोंट बी सरप्राइज, अच्छा सर इसमें रोटी दिया है तो क्या अपने वाले मेथड से कर सकते, हाँ करो, अगर मान लो पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करे, बैठे बैठे क्या करे, करना पूरा नॉर्मल इंटीग्रेशन 4 से 6 कुछ तो करेगा ना उस समय, तो क्या करेगा, टाइम पास के लिए कर देना पूरा, 3000 ए बार टू डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 7% प्लस ई टू द पावर माइनस 2 डेल्टा एट द रेट व्हाट,
7% अगेन, हाँ देख लेना, मार्क कर लेना इसको रेड में, रेड पे नहीं लाया ना, बगल से लेके छीन के लिख लेना मिस्टेक एरिया। सब लोग पता क्या करेगा, ई टू द पावर माइनस टू डेल्टा निकालेगा 9 पे, 7 पे होगा ना। ब्रेकअप देखो इसका, 4 से 10 बोल रहा है, बीच में 6 है, तो यहां से यहां तक कितना है कुशल, यहां से 4 से 6 तक कितना है, और 6 से 10 तक 9, तो 9 पे ना 7 पे, यहां से यहां ला रहे हैं ना। अच्छा प्लस 3000 ए बार 4 डेल्टा इज इक्वल टू 9%। क्या आई निकालने का दरकार है फॉर द लास्ट टाइम, नहीं डेल्टा से ही काम हो जाएगा ना। दिस इज पार्ट वन, रुको करो, कॉपी मत करो, टाइम देंगे कॉपी करने का, एक मिनट। मृदुल सेकेंड पार्ट, मान लेते हैं तेरे को, मान लेते हैं इसका प्रेजेंट वैल्यू इज समवॉट 11,400, हाँ वो टाइम, सॉरी मैं भूल गया, एक मिनट, हाँ वो पार्ट भूल गया, ठीक है। ये वाला अगर हो जाएगा मतलब फिर इसके बाद में टाइम जीरो पे कैसे निकालेंगे, वी जीरो टू फोर, यहां पर जब मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं ना, ये सेम प्रेशर तुम लोग एग्जाम में फील करेगा, ये सब मिस्टेक होता है। तुम लोग करके आते 90 नंबर, आधा कितना है 67, 70, 72, क्यों आता है मिस्टेक, ठीक है। अच्छा तो वी जीरो टू फोर हो गया, चार साल बोला, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ई टू द माइनस 0 to 4, कौन सा वाला, पहला दूसरा तीसरा, पहला वाला, तो ये हो गया। मान लेते हैं इसका आंसर आ रहा है 11,400 समथिंग, ठीक है। अब तुम बता कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय द इंडिविजुअल इन पार्ट वन, बोल 3000 ए बार 6 वी टू द पावर 4 इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये वाला पार्ट जो इससे आया है, जो इससे आया है 11,000 समथिंग ही आएगा। अब सुनो, इसमें किसी को डाउट है, अच्छा क्या निकालना है, डेल्टा ना आई कितना नंबर का, देखो तो अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो एग्जाम में भी नहीं बनेगा, ये बात मैं से लिखवा लेना, ठीक है ओके। तो दिस पार्ट इज ओवर, एक बार फिर से देख ले रहे, एक मिनट आपस में बात कर लो। ट्वेंटी एट होमवर्क, इसका वो करें, इसका वो करें, सब लोग इधर देखेगा, मेरे तरफ देखेगा, इसका वो करें बेटा, तुम बता वाई डी ट्वेल्व इज, प्रैक्टिस कर, मान लो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया है, तुम क्या लॉजिक लगाएगा इसमें, डी ट्वेल्व इज ग्रेटर देन डी, बता मतलब, डी मतलब एनुअल डिस्काउंट रेट, सही बोल रहा है, मतलब मंथली का मत, हाँ सोनथलिया बोल, 12 बार डिस्काउंट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग जो बोल रहे हो, बोल तो ट्राय लेकिन समझ में, बोल एक मिनट, बहुत वो बना दिया है, बहुत डिफिकल्ट बना दिया है। अगर एनविटीज का फॉर्मूला देखें, एनविटीज पेड पीएथली, तो एनविटीज पेड पीएथली में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डी यू 12 10, नीचे में क्या आता है डी 12
कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मंथली इन एडवांस, ठीक है। तो डी ट्वेल्व को ऐसे सोचो, मंथली इन एडवांस, ठीक है। ए डी यू टेन, इसका आंसर कैसे आएगा बोलो, डी, एक बार डिवेट कर रहे हैं उससे, इधर में आ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो मेरे को टेबल बुक से, मान लो इंटरेस्टेड इज 5%, टेबल बुक से ये निकालना है, ये तो कैसे निकाल सकते हैं, एक मिनट तुम बोलो किस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सोच के बोलना। ए टेन इंटू, सबको समझ आया, सबको पता है, अच्छा साइड बॉक्स का इंपॉर्टेंस है मतलब, ठीक है ओके। और एक नोट, चेतावनी, सूचना, जो भी, 8:30 में इंटरपोलेशन मत करके आ जाना कि 8 दिया 9 दिया चल इंटरपोलेशन कर देते, नहीं 8:30 पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सब अलाउड नहीं है। अब इधर देखो, ये मंथली इन एडवांस है, ये ईयरली इन एडवांस है, ठीक है। तो एक टाइमलाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 12 रुपया लेते, ठीक है, 12 रुपया, 12 रुपया मतलब क्या, मंथली एडवांस का मतलब क्या हो गया, एक एक रुपया हर महीना का एडवांस में। एंड डी का मतलब क्या हो गया, पूरा 12 इधर। अब एक बात सोचो, मैं जब इक्वेशन बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं, 1 माइनस d12 बाई 12 होल टू द पावर 12। अच्छा, अभी जैसे मैं सबका जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इसका भी लास्ट वाले का भी, तो इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, मेरे को उसको किसके बराबर करना है, 12 के, मेरे को उसको किसके बराबर करना है, 12 के। तो अगर मैं 111 लूंगा तो आंसर आएगा ना, 1.1 समथिंग लूंगा तो आंसर आएगा, आराम से सोचो, टाइम दे रहे, लॉजिकल लग रहा है। डी ट्वेल्व का मतलब क्या हो गया, मंथली एडवांस, मैं ये बोल रहा हूं 1111 बारह बार, और यहां पर 12 है, मेरे को इन सबको 12 के बराबर करना है, प्रेजेंट वैल्यू को 12 के बराबर करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू 12 के बराबर कैसे होगा, जब सब 1 रहेगा ना, 1 से हल्का ऊपर रहेगा, हल्का ऊपर, तो देखो आ गया, ठीक है। तो डी ट्वेल्व को ऐसे सोचना कि मंथली इन एडवांस है, तभी समझ पाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले ले, ग्रिप आ जाएगा, सॉरी। अब ये बताओ, आई कब यूज करते हैं, एंड ऑफ द ईयर, पूरा पैसा एंड ऑफ द ईयर, एंड आई ट्वेल्व का मतलब क्या है, मंथली इन ईयर। अब देख लो, अब आई मान लो 12 है, वाई आई इज ग्रेटर देन आई 12, यहां पर क्या है, 1111 ऐसे करके 12 बार। अब सुनना, अब जब मैं इन सब को निकालूंगा तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ आएगा, ऐसे समझो, ऐसे समझना, मान लो इन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ रहा है 12, इन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू 12 नहीं सॉरी 10 मान लो 10, इन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू अगर वो 10 आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैं कितना रखूंगा, यहां पर 12 दिया ना, देखो 1 into 12 कितना होता है 12, 12 दिया तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आ रहा है 10, तो यहां पर कितना रखेंगे, 12 ना, 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा। स्ट्रक्चर देखो ना, हर महीना के बाद में एक, एंड पूरा एक साथ एंड ऑफ द ईयर पे, तो ऑब्वियस बात है यहां पर समथिंग कितना रखना पड़ेगा, 13.5 समथिंग कुछ रखेंगे, रफ बोल रहा हूं, 13.5 समथिंग कुछ रखेंगे, तभी तो जाके 10 आएगा ना, तभी तो जाके 10 आएगा, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करना है, इसलिए आई इज ग्रेटर देन आई 12, पूरा एंड में और हल्का 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 एंड में, ठीक है। तो टालने के साथ सोचना, तब समझ आएगा कि इसको लर्न नहीं करना है, ये लगभग टाइमलाइन बना लेना, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। तो आई इज ग्रेटर देन आई 12, ठीक है, पक्का ना, 111 दिए तो 12 दिए ना, 12 का मान लो प्रेजेंट वैल्यू 10 आ रहा है, तो यहां पर कितना रखेंगे, 12 ही रखेंगे तो 10 तो नहीं आएगा ना, 10 से कम आएगा, देख के पता लग रहा है, कैसे मतलब क्या, कोई भी रेट पे तुम यूज कर लो। हम बोल रहे हैं 111 दिए, स्ट्रक्चर को समझो, 111 दिए तो ये 1 तो यहां मिल गया, बट इसका वाला जो 1 है वो तो यहां मिल रहा है ना, तो यहां पर किसने, यहां पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंटिंग, इस वाले का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंटिंग होगा ना, तो इसीलिए इसको ज्यादा होना पड़ेगा ताकि इसके कंपेंसेट कर सके, इसलिए आई लिख लो वहीं पर, 27 का जो पार्ट 2 है ना, वहीं पर लिख लो आई इज ग्रेटर देन आई 12, देखो ना नीचे में जो स्पेस है ना, इस वाले स्पेस को यूज करो, लिखो आई इज ग्रेटर देन आई 12, लिखना इंट्यूजन, आई इज ग्रेटर देन आई 12 इंट्यूजन। मिलिंद खाली क्लास में बैठने नहीं है, तुम लिखेगा अभी,
क्या लिखा, क्या लिखा, लिखवाया नहीं अभी तक, लिखो। लेट्स से सपोज रुपी वन एट द एंड ऑफ ईच मंथ and something greater than 12 at the end of year. Will lead to the same present value because the amount at the end of year is exposed to extra discounting. The amount at the end of year is exposed to extra discounting. ठीक है, क्या लगा लैंग्वेज बताना पर, एंड सपोज टू एक्स्ट्रा डिस्काउंटिंग कंपेयर टू मंथली इन अरियर देयरफॉर आई शुड बी ग्रेटर देन आई 12। ठीक है, कौन सा ये हो जाएगा, सेम एकदम पूरा सेम लिखना है तुमको, थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, पीछे में एकदम सेम चीज लिखा हुआ है, पूरा सेम चीज लिखा हुआ है डी और डी 12 का। ठीक है, ब्रेक में तुमको आके लिखवा देंगे। अच्छा एक बात बताना, एक और कंपैरिजन, अभी ये तो कर लिए, सबसे छोटा कौन सा होगा। हाँ कुशल तुम सही पकड़ा है, डेल्टा कौन बोला तुम, 360 में बोला था ना, क्यों बोला था, क्योंकि तुमको लगा जितना छोटा कंपाउंडिंग करेंगे उतना होगा, तो 365 से भी तो छोटा कुछ होता है, पर सेकेंड कंपाउंडिंग मतलब क्या डेल्टा। ठीक है, अच्छा एक ना कहाँ गया मैट, एक बार फर्स्ट वाला मैट बता देंगे तुम लोगों को, एक मिनट फर्स्ट वाला मैट लेके ना, तो बता रहे ठीक है, दिखा देंगे। तुम लोगों को शिवांगी देख सकते कराई है क्या, वो इंटरेस्ट रेट का जो ग्राफ होता है, हाँ उसके बाद रिव्यू कर लेना, उसमें देखना सबसे नीचे में कौन सा आता है डेल्टा। ठीक है, तो बोला भाई रिव्यू कर लेना उसको, ओके ठीक है छोड़ दो, एक बार उस वाले लिखो review the graph of interest rate page 12 chapter 5। एक बात बोले, अगर मान लो ये सब में कुछ भी नहीं समझ में आए ना, तो लिखो ट्रिक, वहीं पर लिख लो ट्रिक, यूज टेबल बुक। क्या ट्रिक हुआ टेबल बुक का, सबका साइड बॉक्स दिया हुआ है, कोई भी एक रेट का खोल के देखिए समझ आ जाएगा। अरे बना देना वहां पर कुछ भी, कोई भी एक रेट, तुमको आंसर तो पता ही क्या होने वाला है। जैसे अगर मान लो अभी ये नहीं बोलते टेबल बुक नहीं, इसका आंसर कुछ भी कंपैरिजन दे देगा, तो कोई भी एक रेट खोलना, कोई भी ग्रेड खोल के देखे क्या है, थोड़ा दिमाग लगा के लिख देगा आंसर, वही उसी के हिसाब से। ठीक है, ओके ले पकड़, तो ये वाला हो गया, इसमें तो और कुछ दिख नहीं रहा है, 20 करा दिया, इसमें कोई सब डिविजन बनी नहीं रहा बुकलेट वन में, मैंने फर्स्ट जो चैप्टर्स है उसका सब डिविजन यही है, एक तो टी बिल वाला क्वेश्चन, एक तुम्हारा रोटी वाला, और कुछ नहीं बन रहा है, और तो एकदम जनरल एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कितना बच गए, 115। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद कहेंगे सब कहेंगे।